हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैंने यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन तक की एमसीक्यू सीरीज़ कंप्लीट कर ली है। आज हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है 56 नंबर क्वेश्चन में। 56 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि हथौड़े का वजन कहाँ दर्शाया जाता है। इसका ऑप्शन दिया है ए नंबर फेस, बी पिन, सी चीक, डी ऑयल होल। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने हैमर के बारे में पूरी जानकारी दी थी। पिछली वीडियो में उसमें मैंने ये भी बताया था कि हथौड़े का जो चीक्स वाला पार्ट होता है, चीक्स वाला पार्ट होता है, उसमें हम लोग हथौड़े का जो वजन है वो दर्शाते हैं। यहाँ मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखा देना चाहता हूँ। चलिए डायग्राम थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। इधर देखिए, ये देखिए, ये वाला पार्ट जो इसका होता है, ये जो पार्ट है हमारे पास, ये वाला पार्ट, ये चीक कहलाता है, हैमर का चीक कहलाता है, चीक वाला पार्ट। और इसमें आप लोग देख भी सकते हो, यहाँ पे इसमें 24 जो लिखा हुआ है ये वजन दर्शा रहा है। ये चूँकि ये यहाँ इंडियन है नहीं, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड है, इस वजह से यहाँ 24 शायद यह LB के रूप में होगा। ठीक है, इसमें अदर चीज़ भी हम लोग दोबारा देख लेते हैं। जो ये वाला पार्ट है ये हमारा कहलाता है पिन। ठीक, क्योंकि ये बॉल टाइप का है इसलिए ये कैसा है, बॉल पिन हो गया। ठीक, ये पार्ट क्या होता है, नेक कहलाता है, ये आई होल हो गया। ठीक, और ये आप देखते हो दो छोटे छोटे ये जो दिख रहे हैं आपको, इसको बोला जाता है वेज, इसको बोलते हैं हम लोग वेज। ये वाला पार्ट होता है फेस, ये आपका हैंडल हो जाता है। ठीक है, इतना पार्ट मैंने, ये मैंने पहले ही बताया है पुरानी वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 56 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर क्या है, चिक, 56 का सी सही है आपका। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बोला है इसमें, अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, जैसा यहाँ थोड़ा जान लीजिए, ये जो निकासी कोण बोल रहा है, निकासी कोण क्या है, क्लियरेंस एंगल की बात कर रहा है। अनुशंसित मतलब क्या होता है, जो हमको ज़रूरत है उससे हम कम रखें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन बोला है, ऑप्शन ए है कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी। ऑप्शन बी है कटिंग एज अंदर घुस जाएगा, कट और गहरा हो जाएगा। ऑप्शन सी है कटिंग एज टूट जाएगी। और ऑप्शन डी बोल रहा है छेनी की कटिंग एज सीधी रेखा पर स्वतंत्र रूप से चलती है। अब इसे समझने के लिए हम लोग डायग्राम के थ्रू इसे आसानी से समझ सकते हैं। चलिए डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उसमें एंगल जब पूछा गया था कि ये एंगल कौन कौन से होंगे, उसमें पूछा गया था कि ये जो है गामा एंगल क्या होता है, तो उस समय मैंने बताया था ये रैक एंगल होता है। तो उससे उसके बाद मैंने इसमें पूरे जितने एंगल है सभी बताया था। तो अब यहाँ देखते हैं, वहाँ बात कर रहा है अगर क्लियरेंस एंगल, तो क्लियरेंस एंगल यहाँ पे कहाँ है, ये अल्फा जो आपको दिख रहा है ये हमारा क्या है, क्लियरेंस एंगल है। तो अब बोला है क्लियरेंस एंगल को जो ज़रूरत हो उससे कम कर दिया जाए। अब मान लो क्लियरेंस एंगल आपका कितना था, ये है, ये था, अब आप इतना कर दोगे क्लियरेंस एंगल, ये आपने कम कर दिया। जब आपने कम कर दिया और जब यहाँ हैमरिंग करोगे आप, तो यहाँ आपने हैमरिंग की करोगे तो क्या होगा, छेनी क्या होगी, फिसल जाएगी। छेनी क्या होगी, इधर से इस डायरेक्शन में फिसल जाएगी और मेटल को काटेगी नहीं, मतलब चिपिंग ऑपरेशन नहीं करेगी। तो इसका यहाँ से आंसर क्या होगा, आंसर इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका, वो एकदम राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए सही है, कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी। ठीक, अब आगे देखते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला हुआ है टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है। इसमें और इसमें पूछ क्या रहा है कि ऐसी कौन, ऐसे अगर कोई धातु पे तनाव बल लग रहा है और वो तनाव बल को सहन करती है, टूटती नहीं है, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है धातु की ये क्या कहलाती है।
ऑप्शन दे रखा है ए डक्टिलिटी, बी टेनेसिटी, सी इलास्टिसिटी और डी मैलेबिलिटी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो होगा 58 का आंसर होगा बी टेनसिटी। टेंसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं दृढ़ता, दृढ़ता भी बोला जाता है और इसे लघिष्णुता भी बोला जाता है। टेनसिटी को दृढ़ता और लघिष्णुता भी बोला जाता है हिंदी में। ये क्या करता है? टेंसिटी क्या करती है? जो धातु पर बल लगता है, तनाव बल, उसको सहन करती है और धातु को टूटने से बचाती है। अब इसमें अदर देख लेते हैं, डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी को बोलते हैं तन्यता। इसका काम क्या होता है? अगर ये धातु धातु कोई धातु तन्य है या डक्टाइल धातु है तो वो क्या होगी? उस धातु का हम लोग तार खींच सकते हैं, मतलब वायर हम लोग खींच सकते हैं, ठीक है, वायर बना सकते हैं। फिर देखते हैं इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी को हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रत्यास्थता। ये क्या होती है कि ये धातु वह गुण होता है जिसमें धातु का जब कोई बल लगाया जाता है तो धातु में क्या होता है, बल के अनुरूप ही परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम बल हटाते हैं धातु अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाती है। ये गुण इलास्टिसिटी कहलाता है। फिर डी ऑप्शन क्या बोलता है? डी ऑप्शन बोल रहा है यहाँ पे मैलेबिलिटी, जिसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में आघात वर्धनीयता या धातु वर्धेता, इसको बोला जाता है। अब इसका काम क्या होता है मैलेबिलिटी का? अगर कोई धातु मैलेबल है तो वो क्या करती है कि उस धातु को पीट कर पतली चादर के रूप में हम लोग बना सकते हैं, ठीक। तो इसमें आंसर हमने बता दिया था, आंसर नंबर ये जो बी है वो आपका सही है, टेंसिटी। आगे चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन में। 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे? एक डायग्राम दिया है हमको। अब इसमें पूछा है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, और आंसर दे रखा है ए नंबर एनविल, बी नंबर थिम्बल, सी है स्पिंडल और डी है स्पिंडल लॉक। तो जैसा कि आपको डायग्राम देख के पता चल गया होगा, ये क्या है हमारा, ये डायग्राम जो दे रखा है ये है हमारा माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर है। और कैसा माइक्रोमीटर है? आउटसाइड माइक्रोमीटर है। ये यहाँ पे क्या दे रखा है, ये किस साइज में है वो दे रखा है, 50 से लेकर 75 mm, मतलब मिनिमम 50 mm माप सकता है, मैक्सिमम 75 mm तक का ये मेजरमेंट ले सकता है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया ये एक्स जो है ये क्या है, तो ये एक्स यहाँ पे क्या है 59 नंबर क्वेश्चन में जो है एक्स क्या है हमारे पास? एनविल है। क्या है? एनविल। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए एनविल इसका राइट आंसर है। इसमें और भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि क्या है। अब देखिए ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका एनविल, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है? ये है स्पिंडल। ये वाला पार्ट क्या है? ये है फ्रेम। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो है ये कहलाता है स्लीव, या इसे कहते हैं बैरल, स्लीव या बैरल कुछ भी कह लीजिए, सेम है, दोनों एक ही है। ये क्या है आपका? थिम्बल है। और ये हमारी नर्लिंग हुई हुई है, ये नर्लिंग हुई है, ठीक। और ये वाला पार्ट क्या है हमारे पास? ये जो है हमारे पास रैचेट है, ठीक है। अब जो एक क्वेश्चन इसमें पूछा बहुत इंपॉर्टेंट है कि डैटम लाइन कहाँ बनी होती है, तो इसका राइट आंसर है डैटम लाइन कहाँ बनी होती है, स्लीव पर या बैरल पर डैटम लाइन बनी होती है, ठीक है। और डैटम लाइन ये और स्लीव पर ये जो वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है, ये तो सिंपल माइक्रोमीटर है, एक वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर आता है वर्नियर, वो उसमें वर्नियर स्केल कहाँ बनी होती है, वो भी हमारी स्लीव या बैरल पर बनी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं 59 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या होती है, ठीक। मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर, तो ऊपर जो अपने डायग्राम 59 में पढ़ा है वो आउटसाइड माइक्रोमीटर था, अब यहाँ इसने बोला है कि मेट्रिक की क्या होती है, मेट्रिक यहाँ जोड़ा हुआ है, ठीक है। जो आप लोग को पता ही होगा कि जो मेट्रिक जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो होती है 0.01, मतलब इसका जो आंसर है आंसर नंबर ए आपका सही, ठीक। आगे चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन में। 61 नंबर क्वेश्चन में एक डायग्राम आपको दिया है और इसमें पूछा है ये एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है, ठीक है।
एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। अब आपको देख के पता चल गया ये ड्रिल है, और ड्रिल में यहाँ पे एक्स के बारे में पूछा हुआ है, तो देखते हैं आंसर क्या दे रखा है यहाँ पे। आंसर देखते हैं यहाँ पे, आंसर ए ए नंबर जो है वो है लिप, बी है हमारा लैंड, सी है हमारा फ्लैंक, और डी है हमारा बिंदु कोण। डी हमारा है बिंदु कोण। तो इसका जो राइट आंसर है 61 नंबर का है वो है हमारा पॉइंट एंगल। तो नीचे जो एक्स जो डायग्राम ये जो हमको दिया है यहाँ पे, इसमें ये क्या है हमारी, ये एक्स क्या है हमारे पास, पॉइंट एंगल है, ये हमारा पॉइंट एंगल है। ठीक, अब ये पॉइंट एंगल है, अब पॉइंट एंगल नॉर्मली कितना रखा जाता है वो भी आप लोग को पता होना चाहिए। जो पॉइंट एंगल हमारा रखा जाता है नॉर्मल, जो पॉइंट एंगल जो, ये राइट आंसर हो गया आपका, पॉइंट एंगल कितना रखा जाता है नॉर्मली, 118 डिग्री। ठीक है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन में। 62 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि ड्रिल शैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है। जो ड्रिल का शैंक होता है उसमें किस प्रकार का टेपर दिया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है पिन टेपर, ऑप्शन बी दे रखा है मेट्रिक टेपर, ऑप्शन सी दे रखा है मोर्स टेपर, और ऑप्शन डी दे रखा है जर्नो टेपर। ठीक है, चार प्रकार के टेपर दे रखे हैं, इसका हमको राइट आंसर हम लोग को निकालना है। तो 62 नंबर का क्वेश्चन जो होगा उसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, मोर्स टेपर। ठीक है, और ये कहाँ दिया जाता है, जो ड्रिल होती है उसके सैंक पे हम लोग ये टेपर देते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और होता है कि एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि यदि ड्रिल का जो शैंक है उसका डाया, ड्रिल के शैंक का डाया और ड्रिल मशीन के जो स्पिंडल होता है, ड्रिल मशीन का जो स्पिंडल होता है, ड्रिल मशीन का जो स्पिंडल होता है उसके डाया से अगर कम है तो कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं। तो उस डिवाइस का नाम है हमारे पास, जो उस डिवाइस का नाम होता है वो होता है स्लीव। नाम क्या होता है, स्लीव। स्लीव का प्रयोग करते हैं, स्लीव का प्रयोग कब करते हैं, जब जो ड्रिल का हमारा जो डाया होगा वो ड्रिलिंग मशीन के जो स्पिंडल होगा उसके डाया से कम होगा तो स्लीव का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। इसका राइट आंसर तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा क्या है, मोर्स टेपर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, मोर्स टेपर। आगे चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मशीन के स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए है ड्रिफ्ट, ऑप्शन बी है स्लीव, ऑप्शन सी है पंच, ऑप्शन डी है हथौड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है 63 का वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, मशीन के स्पिंडल में जब हम लोग स्लीव या सॉकेट लगाते हैं तो उसे स्पिंडल से बाहर निकालने के लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब स्लीव, अब यहाँ देख लेते हैं, अदर ऑप्शन देखते हैं। स्लीव जो अभी मैंने ऊपर आपको 62 नंबर क्वेश्चन बताया, स्लीव का प्रयोग कब करते हैं, जब ड्रिल का डाया इस ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल से, डाया से जब छोटा होता है तो स्लीव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो स्लीव में जो टेपर होता है वो कैसा टेपर होता है, स्लीव का टेपर भी मोस्ट टेपर ही होता है। पंच की बात करते हैं, पंच का यूज़ कहाँ किया जाता है, मार्किंग ऑपरेशन में किया जाता है। हथौड़े का यूज़ स्ट्राइकिंग टूल है ये। ठीक है, आगे देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रतिबंधित स्थान पे उपयोग किए जाने वाले टैप रिंच का नाम बताइए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है बॉक्स टाइप टैप रिंच,
ऑप्शन नंबर बी टी हैंडल टैप रिंच, ऑप्शन नंबर सी सॉलिड टाइप टैप रिंच, और ऑप्शन नंबर डी डबल एंडेड एडजस्टेबल टैप रिंच। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सही से समझते हैं। यहाँ बोला है प्रतिबंधित स्थान, जिसे बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड एरिया या रिस्ट्रिक्टेड प्लेस। तो प्रतिबंधित स्थान का मतलब इसको बोल सकते हैं हम लोग कि ऐसा स्थान जहाँ पे जगह की कमी हो, जहाँ जगह कमी हो वो भी बोल सकते हैं इसको। तो ये बोल रहा है प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाला टैप रिंच। अब टैप रिंच, टैप क्या होता है सबसे पहले देखिए, टैप क्या होता है? टैप का प्रयोग किया जाता है थ्रेडिंग ऑपरेशन में किया जाता है। और थ्रेडिंग अगर आप कर रहे हो, थ्रेड काट रहे हो, चूड़ी बना रहे हो, तो चूड़ी कौन सी बनाओगे, इंटरनल या एक्सटर्नल? तो टैप के द्वारा जो चूड़ी बनती है वो हमारी इंटरनल चूड़ी बनती है। और टैप जो होता है वो एक सेट में तीन होते हैं, एक सेट में तीन होते हैं, ठीक है। अब टैपिंग करने के लिए, और इससे जो प्रक्रिया होती है वो टैपिंग होती है, और टैपिंग करने के लिए जो रिंच प्रयोग किया जाता है इसको पकड़ने के लिए टैप को, वो कहलाता है टैप रिंच। अब यहाँ वही बात कर रहा है कि टैप रिंच का नाम क्या होगा जब कम जगह पे या प्रतिबंधित स्थान पे इसको उपयोग करेंगे। तो इसके लिए जो रिंच प्रयोग किया जाता है उसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है हमारा बी टी हैंडल टैप रिंच। अब ये देखने में कैसा होता है, राइट आंसर आपको पता चल गया कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, टी हैंडल टैप रिंच ये आपका राइट आंसर है। अब इसको देख लेते हैं कि देखने में कैसा होता है, इसका देख लेते हैं डायग्राम एक बार। ये देखिए, यहाँ आप देख सकते हो ये जो है आपका टी हैंडल, ये क्या है, टी बन रहा है यहाँ से, ठीक है। ये क्या है, यहाँ क्या है, ये नर्लिंग हुआ पार्ट है, ये अपने एक्सिस पे क्लॉक एंटी क्लॉक घूमता है। और ये जो एरिया आप देख रहे हो यहाँ पे लगता है टैप, टैप लगाया जाता है, उसके बाद इसको क्लॉक एंटी क्लॉक घुमा के इसको खोला और बंद किया जाता है, और इसे जो कम जगह होती है उसमें भी इसको घुमा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं आगे क्या बोल रहा है। तो इसका जो राइट आंसर था 64 का, राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी टी हैंडल टैप रेंज। आगे देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्या बोला है कि आईएसओ मीट्रिक थ्रेड में M10 × 1.5 थ्रेड के लिए टैप ड्रिल का आकार की गणना कीजिए। ऑप्शन हमको यहाँ दे रखा है 8.2 मिलीमीटर, ऑप्शन बी है 8.7 मिलीमीटर, ऑप्शन सी है 8.75 मिलीमीटर, और ऑप्शन डी है 8.65 मिलीमीटर। अब यहाँ कुछ समझते हैं, देखते हैं, यहाँ बात कर रहा है आईएसओ मीट्रिक थ्रेड, यहाँ मीट्रिक थ्रेड में बात किया है, और यहाँ दो दे रखा है, साइज दे रखा है M10 × 1.5 ये थ्रेड। अब इसमें हमको निकालना क्या है, टैप ड्रिल आकार, मतलब टैप ड्रिल का साइज, टैप ड्रिल साइज ये हमको निकालना है। तो इसको मैंने सॉल्व किया है, आप लोग चलिए देख लेते हैं सॉल्विंग, आप देख लो यहाँ पे, ये देखिए ये मैंने सॉल्व कर रखा है। यहाँ उन्होंने क्या बोला था क्वेश्चन में, यहाँ देखिए आईएसओ मेट्रिक थ्रेड की इन्होंने बात की थी, और इन्होंने ये चीज़ हमको दे रखी थी, M10 × 1.5 हमको दिया हुआ था। तो यहाँ देखते हैं ये है क्या, ये जो 1.5 आपको दिया है, ये जो दिया है ये क्या है, हमारी पिच है, ये क्या है, पिच है, थ्रेड जो हम लोग बना रहे हैं उसकी पिच है। और ये 10 क्या दे रखा है, ये 10 दिया है ये डाया ऑफ टैप, मतलब जो हम लोग टैप यूज़ करेंगे उसका ये डाया है, मतलब टैप का एक्सटर्नल डाया है ये जो 10 है वैल्यू, ठीक है, जो 10 वैल्यू है ये टैप का डाया है, और 1.5 क्या है ये पिच है हमारी जो हम लोग थ्रेड बनाएंगे। अब फॉर्मूला हम लोग को ध्यान होना चाहिए, फॉर्मूला होता है टैप ड्रिल साइज का, जिसे TDS भी बोलते हैं, टैप ड्रिल साइज इक्वल टू टैप साइज माइनस 2 × D, जहाँ पे D क्या है, चूड़ी की गहराई, किस गहराई तक आप चूड़ी काट रहे हो वो है यहाँ पे। तो टैप साइज हमको यहाँ पे क्या दे रखा था, टैप साइज ये देखिए हमको
कितना दे रखा है 10, तो हमने यहाँ रख दिया 10, यहाँ क्या रखा हमने 10 रख दिया है, यहाँ पे ये हमने रख दिया यहाँ पे 10, और इंटू 2, और डी का मान हमको अभी पता नहीं है, तो डी का मान हम लोग इधर से निकालेंगे। डी का मान क्या है यहाँ पे देखिए, डी का फॉर्मूला होता है चूड़ी की गहराई के लिए 0.6134, यहाँ आप लोग देख सकते हो, ये देखिए आप लोग 0.6134 इंटू पी, ये चूड़ी की गहराई का डाया होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पी का मान हमको पता है पिच का, वो रखेंगे, तो 0.6134 इंटू पिच कितनी थी हमारी 1.5, यहाँ रखा इंटू किया, डी का मान आ गया 0.9201, इसको हम लोग अब रखेंगे यहाँ पे, हमने ये मेन फॉर्मूले में रखा टैब ड्रिल साइज के, 10 - 2 इंटू 0.9201, अब इसको सॉल्व किया और आंसर हमारा कितना आ गया टैब ड्रिल साइज का 8.16 मिलीमीटर। तो 8.16 मिलीमीटर लगभग कितना हो गया, 8.5 के लगभग बराबर है। आगे देखते हैं हम लोग इधर, हाँ वहाँ हम लोग के पास आंसर कितना आया था, वहाँ आया था हमारे पास 8.16 के लगभग आया था वो आंसर, ये 1.16 मिलीमीटर, ठीक। अब ये लगभग किसके बराबर हो रहा है, तो इसमें किसके बराबर हो रहा है, ए नंबर ऑप्शन के ये बराबर होता है, तो इस वजह से इसका आंसर क्या होगा 65 का, 8.2 इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रखा है 66 में कि ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या होती है, ड्रिलिंग ऑपरेशन जब हम लोग कर रहे हैं तो फीड की इकाई क्या रखेंगे, ये बोल रखा है। ऑप्शन देखें क्या दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है मीटर पर रेवोल्यूशन, ऑप्शन बी मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन, ऑप्शन सी मीटर पर मिनट, या ऑप्शन डी मिलीमीटर पर मिनट। तो 66 का राइट आंसर क्या होगा, जब ड्रिलिंग करते समय फीड हम लोग जो देते हैं वो कितनी रखी जाती है, वो रखी जाती है मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन, इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा सही है। आगे चलते हैं, देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, डायग्राम दिया हुआ है वर्नियर कैलिपर का, वर्नियर कैलिपर का डायग्राम दिया है, क्या बोला है, वर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है, इस पार्ट की बात कर रहा है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। ऑप्शन दे रखा है ए बीम, ऑप्शन बी फिक्स्ड बार, ऑप्शन सी डेप्थ बार, ऑप्शन डी थंब लीवर। तो ये आप लोग जानते ही होंगे, जो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है वो क्या है हमारे पास, वो ऑप्शन नंबर सी है डेप्थ बार, डेप्थ बार ये सही है। आगे देख लेते हैं इसके और भी चीज़ें जान लेते हैं इसके बारे में एक्स्ट्रा कुछ, देखते हैं इसको थोड़ा डायग्राम बड़ा करेंगे। इसमें देखिए ये आपकी दो जॉ है, ये क्या है हम आपके पास आपके जॉज हो गए, अब जॉ जो होंगे ये क्या मापेंगे, ये वाले ये दोनों जॉज क्या मापेंगे हमारे लिए, ये मापेंगे हम लोग किसी वस्तु का एक्सटर्नल मेजरमेंट, और ये भी दो जॉ है, और ये क्या मापते हैं इंटरनल मेजरमेंट, ठीक है, इंटरनल मेजरमेंट के लिए ये वाले दोनों जॉज हम लोग लेते हैं, और ये वाले जो होते हैं ये एक्सटर्नल के लिए, ठीक। आगे देखते हैं, ये जो हमारी स्केल होती है ये कहलाती है हमारी मेन स्केल, मेन स्केल, और ये वाले पार्ट में जो ये स्केल दिख रही है ये होती है हमारी वर्नियर स्केल, ठीक है। ये वाला क्या हो गया, ये जो है ये हमारी हो गई डेप्थ बार, ठीक, और इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो कितनी होती है, एक्यूरेसी या लीस्ट काउंट 0.02 मिलीमीटर मेट्रिक में, या 0.001 इंच, ये किस में होती है, ये हमारी होती है ब्रिटिश में, ठीक। आगे देखते हैं, तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या हुआ, आंसर क्या है इसका, आंसर जो है हमारा 67 का वो है हमारा डेप्थ बार, डेप्थ बार आपका आंसर सही है 67 का। आगे देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन,
68 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि देखिए क्या बोला है 68 में कि संयोजन सेट, जिसे हम कॉम्बिनेशन सेट भी बोलते हैं, संयोजन सेट कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता या एक्यूरेसी क्या होती है। ऑप्शन ए 1 डिग्री, ऑप्शन बी 5 डिग्री, ऑप्शन सी 5 मिनट, ऑप्शन डी 5 सेकंड। तो कॉम्बिनेशन सेट क्या होता है देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू। ये आपका है कॉम्बिनेशन सेट, और कॉम्बिनेशन सेट में जो क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टर हेड। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटेक्टर हेड होता है, इसी के एक्यूरेसी के बारे में पूछ रहा है। तो प्रोटेक्टर क्या मापता है? ये एंगल मापता है, कितने कितने से कितने तक, 0 से 180 डिग्री तक ये एंगल को मापता है, ठीक है। और इसकी जो एक्यूरेसी कितनी होती है? इसकी एक्यूरेसी होती है 1 डिग्री। तो उसका राइट आंसर क्या हो गया? 1 डिग्री इसकी एक्यूरेसी होती है। तो इसके अदर पार्ट भी देख लेते हैं क्या होता है। ये आपकी स्केल है, ये हमारा स्क्वायर हेड हो गया ये वाला पार्ट, ये हमारा प्रोटेक्टर हेड है ही, आप लोग जानते हो, ये हो गया सेंटर हेड। तो यूज़ कहाँ होता है? सेंटर हेड का प्रयोग करते हैं हम लोग किसी भी जॉब का सेंटर निकालने के लिए। स्क्वायर हेड का प्रयोग 90 या 45 डिग्री की वस्तुओं को मापने के लिए या मार्किंग के लिए यूज़ करते हैं। ये स्केल क्या होता है? इसको मेजरमेंट देता है, ये इन तीनों डिवाइस एलिमेंट्स को, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 68 का राइट आंसर देखते हैं क्या है। 68 का राइट आंसर है आंसर नंबर ए 1 डिग्री, ठीक है। 69 क्वेश्चन देखते हैं। 69 में क्या बोला गया है? एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता या एक्यूरेसी क्या होती है। तो ट्राई स्क्वायर को दूसरा नाम होता है, गुनिया भी बोलते हैं इसको हिंदी में। तो एक्यूरेसी इसके बारे में पूछा है, ऑप्शन क्या दिया है देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा 0.02 मिलीमीटर से मिलीमीटर प्रति इंच 10 मिलीमीटर लंबाई में, मतलब 0.02 मिलीमीटर प्रति 10 मिलीमीटर लंबाई में। ऑप्शन बी 0.004 मिलीमीटर प्रति 10 मिलीमीटर लंबाई में। सी ऑप्शन है 0.002 मिलीमीटर प्रति 10 मिलीमीटर लंबाई में। और ऑप्शन डी है हमारा 0.001 मिलीमीटर प्रति 10 मिलीमीटर लंबाई में। तो 69 का जो राइट आंसर है, ट्राई स्क्वायर का जो परिशुद्धता होती है वो होती है हमारी 0.002 मिलीमीटर प्रति 10 मिलीमीटर लंबाई में। यही आपका राइट आंसर है, इसका मतलब 69 का सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। 69 के बाद आता है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ट्राई स्क्वायर का जो साइज लिया जाता है वो लिया जाता है ब्लेड की लंबाई में, ठीक है। आंसर देखते हैं, अब देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, ये देखिए ये क्वेश्चन है 70 नंबर की, क्या बोला गया है? निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए है डॉट पंच, ऑप्शन बी है पिन पंच, और ऑप्शन सी है बेल पंच, और ऑप्शन डी है सेंटर पंच, ठीक है। तो यहाँ बोला है निशान देखने के लिए, मतलब ये मार्किंग की बात कर रहा है, जो हम लोग मार्किंग ऑपरेशन करते हैं प्रैक्टिकल में, उसमें किसी भी लाइन को परमानेंट करने के लिए। तो किसके द्वारा करते हैं हम लोग? वो करते हैं हम लोग डॉट पंच के द्वारा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए डॉट पंच हमारा सही है, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि पिन पंच क्या होता है। जो पिन पंच होता है उसका यूज़ क्या होता है? उसका प्रयोग किया जाता है जो डॉवल पिन होती हैं उसको निकालने के लिए पिन पंच का प्रयोग किया जाता है। और पिन पंच का जो डाया होता है हमारे पास, पिन पंच का जो डाया होता है वो 3 मिलीमीटर से लेके 12 मिलीमीटर तक होता है इसका डाया, ठीक है। आगे देखते हैं बेल पंच के बारे में। जो बेल पंच, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? बेल पंच का यूज़ किया जाता है किसी जॉब का सेंटर निकालने के लिए। और सेंटर पंच का यूज़ कहाँ किया जाता है? ड्रिलिंग करते समय ड्रिल को उस होल के पॉइंट पर जब बैठाना होता है तो सेंटर पंच के द्वारा एक पॉइंट लिया जाता है। तो सेंटर पंच का जो एंगल होता है वो कितना होता है? सेंटर पंच का होता है एंगल जो वो होता है 90 डिग्री,
और जो डॉट पंच का एंगल होता है वो होता है हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। अब अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग, वहाँ हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जब कोई नया वीडियो डालूँगा तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।